ठीक है बाबा तू सही है, बस तू सही है। अरे बोल रहा हूँ तू सही है तो भी मैं गलत हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं सही हूँ तो भी मैं गलत हूँ, मैं बोल रहा हूँ तू सही है तो भी मैं गलत हूँ, मतलब हर हाल में मैं ही गलत हूँ। हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज संग्राम सिंह। और अभी आज मैं और मेरी सरकार, ये रागनी जी तो सरकारी हो गई, मैं और हमारी सरकार रागनी जी हम लोग जा रहे हैं लालबाग, लालबाग का गणपति देखने के लिए। हाँ, कृष्णा वहाँ हमारा जो छोटा सा प्यारा सा बच्चू है कृष्णा, उसको घर पर छोड़ा है हम लोगों ने, बहुत ट्राई किया उसे लेके जाए, लेकिन मेरी मम्मी उन्होंने कहा कि नहीं, इसे किसी भी हाल में नहीं लेके जाना, अगर तुम लोग को इसे लेके जाना है तो तुम लोग भी मत जाओ, क्योंकि इसे लेके जाओगे तो ट्रेन में भीड़ होगी और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बारिश का टाइम है, बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है, लेकिन मैंने बोला कि जाना तो है किसी भी हाल में, क्योंकि जब से हम लोगों की शादी हुई अभी तीन साल हो गए ना, 16, 17, 18, 19, 20 चार साल हो गए हम लोग की शादी, 17, 18, 19 16 मार्च। हाँ, अगले 16 मार्च को 4 साल होगा, तो क्या बोलने वाला था मैं यार, अरे हाँ, जब से शादी हुई तब से हम लोग गए नहीं लालबाग का राजा, कहीं पर भी गणपति देखने गए नहीं, मुंबई समझो एक ही बार गए घूमने के लिए, तो इस बार डिसाइड किया कि भाई जाना है तो जाना है, किसी भी हाल में अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी और एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो भी बनाना, तो अभी हम लोग घनसोली नवी मुंबई में, यहाँ से जाएंगे ठाणा, ठाणा से दादर, दादर से लोअर परेल, फिर उधर से लालबाग का राजा, सो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रुक जाइए, अभी सब्सक्राइब मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखना। और बस अभी चलते, ऑलमोस्ट बहुत टाइम, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, 5 यहीं पर बज गए। हाँ, ये दिख रहा है इसके चेहरे पर कितना रोना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं भूल, फिर से भूल जा रहा हूँ, जब दर्शन हो गए तभी वापस आना होगा, हमारा बच्चू महाराज भी घर पे अकेले, अच्छा हमारा बच्चू महाराज भी अकेला नहीं है, मतलब मम्मी है, मौसी है, ट्रेन में भी बहुत धमाकेदार भीड़ होने वाली है, तो देखते हैं ट्रेन में कैसा होने वाला है। बरसात के दिन आए, बारिश भी हो गई है, एक छाता भी सेफ्टी के लिए, छाता किधर अपना, हाँ छाता भी सेफ्टी के लिए है, छाता इस तरफ है, छाता भी सेफ्टी के लिए ले लिया है। 5:06 की तो ट्रेन है, अभी 5:10 हो गए, ट्रेन भी नहीं आई, पता नहीं कब पहुँचेगा ठाणा। रागनी क्या कर रही है, वीडियो चालू अरे क्या कर रही है, तो वीडियो में कैसे लग रहा है एकदम, नहीं वो तो रहने दूंगा मैं, वो नहीं हटाऊंगा मैं, वो तो ऐसा थंबनेल रहेगा फोटो कि देखो मेरी बीवी क्या कर रही है स्टेशन पर खड़े खड़े, टाइट करना फिर वो ट्रेन में, लेकिन जाना तो है बॉस, सब कर रही है, मतलब जो जो मना हम लोगों को स्कूल में किया जाता था सारी चीज़ें, स्कूल में टीचर होती थी बच्चों नाक में उंगली मत डालो, तो जो जो स्टूडेंट लोग रहते तो नाक में उंगली डालते थे, फिर टीचर होती थी बच्चों यॉनिंग मत करो यानी अंगड़ाइयाँ मत लो, इधर अंगड़ाई भी चल रही है। तो फिलहाल ठाणे स्टेशन पर पहुंच गए हम लोग, इट्स अराउंड 5:45, 5:30 और फटाफट दादर का ट्रेन पकड़ के पुलिंग स्टेशन दादर, हम लोग पहुंच गए दादर, खतरनाक भीड़ थी ट्रेन में, लेकिन क्या करें, ट्रेन से आना ही सेफ है क्योंकि आज 7वां दिन है और सारे गणपति का, मतलब मोस्टली गणपति का आज विसर्जन है, तो बस से जाना तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता और स्कूटी से भी जाना बहुत ज़्यादा टफ होता, मैंने ऑप्शन चूज़ किया कि ट्रेन से जाएंगे तो फटाफट कम से कम पहुँच तो जाएंगे, क्योंकि बस से जाएंगे तो पूरे ट्रैफिक में फंस जाएंगे और बाइक से तो जाना समझ लो बहुत बहुत कठिन हो जाएगा, इसीलिए हमारे बच्चू महाराज को नहीं लाया। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए लोअर परेल, दादा इतना लालबाग करता है, इतना बाहर नहीं है साइड नहीं, राइट नहीं ना, हाँ थैंक यू दादा, इधर से बाहर निकलना है राइट साइड में और वहाँ से जाएंगे हमारे लालबाग के राजा के पास, हमारा बच्चू महाराज उठ गया रहेगा और बोलता रहेगा मम्मी डैडी मुझे छोड़ के गए, उसको सुबह से आस लगा के रखा था बेचारे को कि जाएंगे गणपू महाराज को देखने जाएंगे। फिलहाल पहुँच गए हम लोग, यहाँ से स्ट्रेट जाकर लालबाग का गणपति है और मज़ा काफ़ी आ रहा है, मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम लोग बच्चे थे, मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, हम लोग गणपति का टाइम बाहर निकलते थे ऐसे ही, इस तरह से आ जा, गणपति का टाइम बाहर निकलते थे और हम लोग बहुत 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 घूमते थे, बहुत मज़ा आता था, छोटी छोटी जो तलवार रहती है लकड़ी वाली वो खरीदते थे, ढोल खरीदते थे,
और जो पटाखे आते हैं जो सिल्वर कलर के बॉम्ब वो खरीदे थे क्या? अरे बंद क्या करने का, उतना काम है मेरी वाइफ को कभी कभी शर्म आता नहीं उतरी कि क्या करता है मेरा पति, इधर भी मोबाइल निकाल के बात करना शुरू हो जाता है। अभी इतने टाइम से करते करते ये आदत हो गया एक तरह का, इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ। बहुत ही लकी निकले हम लोग, एकदम खाली मिला हम लोगों को, एकदम खाली क्या। अरे तो थोड़ा तो लाइन रहेगा ना, ज़्यादा लाइन अरे थोड़ा लाइन तो मिलेगा ना क्या, एकदम से गणपति बप्पा तक फ्री रहेगा। अभी इधर से शुरू हो गई है थोड़ी गर्दी, मतलब रुक रुक के चल रहा है, इतनी गर्दी तो नहीं है, पर यहाँ से एक्चुअली मेन जो स्थल है गणेश जी का जो एंट्रेंस है, या तो एंट्रेंस भी वो कहा था कि कुछ आइडिया नहीं है, तो ये लाइन कितनी बड़ी है एग्जैक्टली कुछ आइडिया नहीं है। सब निकल रहे अपने आगे, चला दाल आ गया 10 रुपये में कपट ले, 10 रुपये में कपट ले, ये नहीं बोल रहे ले बचस। ओह माय गॉड, दिस इज क्रेजी, दिस इज समथिंग रियली क्रेजी, बट इट्स डैम एंटरटेनिंग। टिळक नगर सुजाता जाधव आणि शशिकांत कांबळे, तुम्ही यही जो सर चाह रहे हैं ना, चल इतनी बड़ी भीड़ है और सब कहीं ना कहीं पर चिल्ला रहे गणपति बप्पा बोलिया गणपति। काफ़ी मूवमेंट हो गई, जब 2011 में आया था तभी सिर्फ रोड था और रोड में से ही एक सीधी लाइन लगती थी और सभी लोग जाते थे, लेकिन अभी तो अच्छी खासी चीज़ें बना दी है जाने के लिए। गुड एक्सलेंट प्रोग्रेस गणपति बप्पा बोलिया। कोई भिवंडी, कोई गवंडी, कोई कहीं से हम नक्सली से, इसीलिए ये गणपति का फेस्टिवल शुरू किया था ताकि सारे लोग अलग अलग जगह से इकट्ठा होकर एक साथ सेलिब्रेट कर सके। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग राइट नाउ। ये लाइन कहाँ तक जाने वाली है कोई आइडिया नहीं है, बाकी मज़ा बहुत आ रहा है, मतलब नॉन स्टॉप चलती जा रही है, रुक रही नहीं है, वो अच्छी बात है। अगर रुक जाती है तो थोड़ा बोर होता है, लेकिन जब ये नॉन स्टॉप चलती जाती है तो द फन इज गोइंग ऑन एंड ऑन। इट्स क्रेजी मैन, लोग भाग रहे हैं, इतनी लाइन में भी लोग भाग रहे हैं। हर एक को ऐसी सब जगहों पर जाना चाहिए, यही दिस इज द रियल लाइफ। ये फन जो ये मिस नहीं होना चाहिए लाइफ से, वरना लाइफ बोरिंग हो जाती है और फिर जीने में मज़ा नहीं आता। बाल बना तेरा, अभी तक हम लोगों को लग रहा था कि सिर्फ ये एक ही लाइन है, लेकिन ये कम से कम ऐसी वहाँ से लेकर यहाँ तक 15 से 20 लाइन है, और ऐसी सेम लाइन अपोजिट डायरेक्शन में भी है, यहाँ से क्रॉस करके आगे जाएंगे फिर वहाँ से सेम अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा सेम, यानी ये एक फेज़ है और वो सेकंड फेज़ है। फर्स्ट सेकंड फेज़ पार करने के बाद फिर उसके आगे भी कुछ और होगा, आई एम नॉट श्योर क्या होगा। चल रागनी भाग गणपति बप्पा मोरिया। तो ये फेस वन था, और अभी सेकंड फेस में निकल गया मेरा जूता, निकल गया पीछे से निकल गया। इतना खाली होने के बाद भी लोग बीच बीच में घुस रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्यों। रुक रागनी तू आगे निकल जाएगी, मैं रह जाऊंगा पीछे। फिलहाल अंदर दर्शन के लिए अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, बेटी मुकेश अंबानी उनका बेटा, ये सारे लोग आए हैं और वही लोग अभी आरती में खड़े हैं, वही लोग मतलब इसलिए मैं दिखा रहे हैं, इसमें पता चल रहा है। रागनी तू तो मेरे को छोड़ कर आने के भाग रही है, आप नहीं अरे तो इधर नहीं आई होगी, कुछ और काम कर रही होगी, कुछ शूटिंग कर रही होगी। तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं एंट्रेंस के, और ये जो है ये मेन एंट्रेंस था, और वेरी 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 ब्यूटीफुल मेरे बारे में तो सोच रही नहीं तू आगे जाने तो पहले कि मैं भी है पीछे धड़ंग करके भाग रही है भागते हुए।
मैं तो भागा तेरे को छोड़ गया, मैं तो अभी से ऐसे पीछे पीछे चल रहा हूँ जैसा वो डॉगी चलता है पीछे 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 हम चल अरे कागली क्या कर रही है तू, चल ना इधर ये कोने से, कुछ ना कर रहे हैं अरे ये कोने से चलना तू, तेरे को क्या पीछे जाने का है, मैं नहीं उनके साथ में जमीन पकड़ के हिल में तेरा ऐसे ही है हमेशा इसको थोड़ा भी ऐसा ठीक है बाबा तू सही है बस तू सही है अरे बोल रहा हूँ तू सही है तो भी मैं गलत हूँ मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं सही हूँ तो भी मैं गलत हूँ मैं बोल रहा हूँ तू सही है तो भी मैं गलत हूँ मतलब हर हाल में मैं ही गलत हूँ नहीं नहीं तू सही है अरे तेरे साइड से बोल रहा हूँ मैं कि तू सही है ठीक है बाबा चल इसमें भी तू जीती कुछ मैं सही है अभी एक अंकल थे करीबन 80-85 उनकी एज होगी वो ये बेच रहे थे मैं नहीं बिलीव करता कि ऐसा जाते टाइम कुछ लेना ये हो लेकिन स्पेशली उनके लिए मैंने लिया क्योंकि इस उम्र में भी वो मेहनत कर रहे थे और ये बेच रहे थे तो ये तो लेना बनता था बस सो फाइनली वी अराइव और ये जो थीम है ना ये जो पीछे देखो स्पेस वगैरह बना हुआ है वो बाहर भी वो उड़ रहे थे वो एस्ट्रोनॉट्स वैसा सब इसलिए बना है क्योंकि जो चंद्रयान टू था ना ये तेरे को अच्छा कुछ बता रहा हूँ मैं तो ऐसा कर रही है अपने को इंटरव्यू में डालता रहे सुन ना करने के लिए ठीक है ये जो इस साल का थीम है गणपति का यहाँ पर लालबाग में वो चंद्रयान टू से इंस्पायर होकर किया है और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं इट इज़ ऑसम इट इज़ ब्यूटीफुल जस्ट हावर अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है जब हम लोग अच्छे से पहुँचेंगे तब आप लोगों को रंग नहीं है ना एक तेरे पास एक मेरे को तो दे मेरे को तो दे रही नहीं है चुपचाप कर खड़ा मुश्किल कर दूंगा आगे चल साथ लेना मुश्किल कर दूंगा जरा जल्दी कर बाप रे बाप यहाँ पर तो शूट नहीं करना मेरे इंस्पेक्टर बोल रहा था दूसरे को कि तेरा साथ लेना मुश्किल कर दूंगा मैं मोबाइल में अंदर रखा तो पर फिर भी लोग शूट कर रहे हैं